और मैं ये कहना चाहूंगा राहुल साहब, ये महाभारत का युद्ध है, हजारों की लाखों की कौरवों की सेना थी उनके पास, लेकिन जीता कौन? आपके साथ सत्य है, आप दिल से बोलते हैं, आप दिल से बोलते हैं, और जो दिमाग से बोलते हैं वो बहुत शातिर होते हैं सर, और आप दिल से बोलते हैं। हम स्टेज पे भी पांच बैठे हैं, बैठे देखिए, ये पांच पांडव हैं और लड़ाई आप जीतेंगे। और आपने, मैं कहा जो अपने मंच से, मैं बड़ा खुश हूं कि आपने कहा वी विल विन, और डेफिनेटली सत्य की ही विजय होती है, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी को जो जिस इंडियन आइडियोलॉजी की जो बात करते हैं हम, ये जो छह लोग बनाए गए हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, ये हमारी इंडियन आइडियोलॉजी है, और एजुकेशन सिस्टम में ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट ना होकर केवल जो संघ के लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट हो रही है, चेंज ऑफ सिलेबस किया जा रहा है। मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन था, किताबें हमने रिव्यू करवाई थी, सारी किताबें हटवाई थी, और एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने 2009-10 में एक बहुत बड़ा डिसीजन किया था, जो ये प्रॉब्लम्स है हमारे एडेड कॉलेज टीचर्स की, और उनकी 20,000 लोगों को, मैं गलत साहब को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी को, जो सरकारी सेवा में उनका समायोजन किया था, ऐसी संख्या बहुत राज्यों में। और जो बात आपने कही पब्लिक फंडेड की, निश्चित रूप से पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस बढ़ने चाहिए, और जो फंडामेंटल्स, जो बेसिस जो कांग्रेस पार्टी ने सिंस 1947 के बाद किया वो जारी रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ एक और बता देता हूं खतरा, जो रूसा राजस्थान उच्चतर शिक्षा अभियान जो लगाया गया, उसका रोल यूजीसी का और जो एजेंसीज का खत्म कर दिया गया है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह उसका एलोकेशन किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी उस पैसे को भेज देती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट के क्लर्क्स जो है एम्प्लॉइज, वो बिना किसी लॉजिक के आधार पर कॉलेजों को या उनके अपने संस्थानों को, क्योंकि उनका एजेंडा संघीकरण है, संघ के इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह से जियो यूनिवर्सिटी आपके सामने उदाहरण है, बिना किसी भवन के, बिना किसी उसके, और उसको राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों में। हमें बड़ी होप है, पूरी कंट्रीज होपिंग फ्रॉम यू सर, एक राष्ट्र की जो होप अगर कोई है तो आपसे आशा है, इसलिए कि आप दिल से बात करते हैं, दिमाग से बात नहीं करते, और ये पूरी सेना जो है ये आपके साथ है, और ये युद्ध है, और युद्ध में आपने कहा, आपने अप्लाइज किया, अप्लाइज करने की जरूरत नहीं है, 10 बार भी अगर ऐसा होगा तो ये सारे लोग आएंगे, आपको मजबूती देंगे, आप आगे रहिए, हम सब पीछे हैं। जय जय भारत।